असाम यूर्स माई नेम इज़ वॉँ चीमा वेलकम बैक विद अनदर वीडियो दिस वीडियो इज़ अबाउट गुलबर्ग ग्रीनज ब्लॉक ए और इस वीडियो में आपको जो मैं बेसिक बातें एक्सप्लेन करूँगा नंबर वन इसके गुलबर्ग की लोकेशन नंबर टू गुलबर्ग के डिवेलपर्स एंड नंबर थ्री गुलबर्ग ग्रीनज़ ब्लॉक ए में जो प्लाट uh, के साइजे हैं और ओवरऑल जो उनमें स्टेटस uh, है डेवलपमेंट का उसके हवाले से एक्सप्लेन करूँगा इनफैक्ट ये uh, वीडियो थोड़ी सी लेंथी है अबाउट गुलबर्ग ग्रीनस क्योंकि मैंने पहले एक साल पहले पूरी सीरीज़ बनाई थी गुलबर्ग की तो मैं अभी दोबारा बहुत सारा कॉल्स आ रही थी अबाउट गुलबर्ग ग्रीनस की मैंने इसकी वीडियोज़ काफ़ी टाइम से नहीं बनाई तो मैं पूरी सीरीज़ में तमाम ब्लॉग्स साइड बाय साइड कवर करने की कोशिश करूँगा पहले ब्लॉक ए फिर बी फिर सी तमाम ब्लॉग्स इसी सीक्वेंस में मेजर ये करूँगा तो सबसे पहले बात करते हैं जी गुलबा ग्रीनज की लोकेशन के हवाले से गुलबा ग्रीनज लोकेटेड है इस्लाम आबाद एक्सप्रेस वे पर इस्लाम आबाद एक्सप्रेस वे से स, जो जीरो पॉइंट का डिस्टेंस है वो बनता है ट्वेल्व पॉइंट फाइव किलोमीटर्स और अगर टाइम की बात करें तो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है तो हार्डली फाइव मिनट्स का टाइम है जीरो पॉइंट से सिग्नल फ्री कॉरीडोर है तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं गुलबाग ग्रीन से पहले जो एयरपोर्ट का डिस्टेंस था वो था तकरीबन टू एंड हाफ किलोमीटर प्लस माइनस अब जो जुलबाग से डिस्टेंस है बेसिकली वो एयरपोर्ट का ज़्यादा है क्योंकि एयरपोर्ट की लोकेशन इस्लामाबाद से थोड़ी डिस्टेंस कर दी गई है यानी जो न्यू एयरपोर्ट है वो इस्लामाबाद से मोटरवे एम के पास है तो ये ओल्ड एयरपोर्ट जो बेनजीर भुटो एयरपोर्ट था उसके पास सोसाइटी लोकेटेड है तो सबसे पहले मैपे देखते हैं कि इस सोसाइटी की ओवरऑल डायमेंशनस में प्लाट के साइज़ज़ और इसमें तमाम चीज़ें आपको मैं डिटेल्स एक्सप्लेन करता हूँ इस वक्त हम स्क्रीन पर गुलबग ग्रीनस प्लस गुलबग रेजिडेंशियल का मास्टर प्लान देख सकते हैं और मास्टर प्लान में जो बेसिकली गुलबक ग्रीनस है वो निचली इस्लामाबाद हाईवे इस पार्ट से लेकर यहाँ तक जो ब्लॉक ए बी सी डी ई ये वाला सारा पार्ट है ये सारा गुलबर्ग ग्रीनस का पार्ट है जिसमें सिर्फ फार्म हाउसेस लोकेटेड हैं और उसके बाद गुलबर्ग रेजिडेंशियल स्टार्ट होता है जिसमें छोटे प्लाट यानी पाँच मरला सात मरला दस मरला कनाल दो कनाल इसके प्लाट्स हैं तो बेसिकली सी डी ए का जोन फोर में फॉल करता है मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में सीडीए के जोन्स एक्सप्लेन कर दूंगा अब बेसिकली ये जो इस्लामाबाद आबाद से इसकी लोकेशन की बात करें तो सबसे पहले लोकेशन का डिस्टेंस देखते हैं जो इसका ओल्ड एयरपोर्ट चौक है मैं उससे इसका डिस्टेंस बनता है हाफ किलोमीटर का एयरपोर्ट से जो बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट था थ्री किलोमीटर और फैजाबाद से बात करें तो नाइन किलोमीटर और, और जीरो पॉइंट से ट्वेल्व पॉइंट फाइव किलोमीटर इस्लामाबाद क्लब से ट्वेल्व किलोमीटर और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एट किलोमीटर का डिस्टेंस है गुलबर्ग रेंज का अब बात करेंगे इसके एन ओ सीज़ की तो ये इसके सी डी के एन ओ सीज़ हैं आप इसकी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ख़ुद अपने ऑन पे वेरीफ़ाई कर सकते हैं सेकंड इसका पार्ट था डेवलपर तो ये इसका डेवलपर है आई बी ई सी एच एस इंटेलिजेंस ब्यूरो इम्प्लॉयज़ कॉरपोरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी और ये इस्लामाबाद में सबसे जो टॉप नॉच की लोकेशन है उस पर लोकेटेड है तो अगर हम बेसिकली बात करें ओवरऑल गुलबा ग्रीन्स की लोकेशन की तो ये गुलबा ग्रीन्स का एंट्रेंस इस्लामाबाद हाईवे पर यहाँ से आप एंटर होते हैं यहाँ से जीरो पॉइंट तक बिल्कुल सिग्नल फ्री कॉरिडोर है तो यहाँ से एंटर होने के बाद सबसे पहले जो ब्लॉक आता है जिसके हवाले से आज की वीडियो भी है यह है ब्लॉक ए और ब्लॉक ए में जो प्लॉट के साइजेज हैं टोटल अगर प्लॉट्स की बात करें तो ब्लॉक ए में थ्री प्लॉट्स टोटल हैं जो टोटल नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे और इसमें अगर बात करें हम दस कनाल के प्लाट की तो वो बनते हैं वन ट्वेंटी वन प्लाट्स पाँच कनाल के प्लाट की बात करें तो बनते हैं वन दस कनाल के जो प्लाट हैं ये लाइट येलो कलर में दस कनाल के प्लाट हैं जिनका टोटल नंबर वन ट्वेंटी वन है अगर हम बात करें पाँच कनाल के प्लाट्स की तो टोटल नंबर बनता है वन नाइनटी और चार कनाल के प्लाट जो ये डार्क कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये चार कनाल के प्लाट हैं इनकी नंबर बनता है टोटल फिफ्टी सिक्स और यहाँ पर जो सबसे प्रोमिनेंट बात है वो ये है कि गुलबर्ग ग्रीज में मरला जो है वो एग्रो फार्म्स का है यानी यहाँ पर जो पाँच कनाल का प्लाट है वो इस्लामबाद की ओवरऑल जो पचास नब्बे के हिसाब से पाँच सौ कस का प्लाट है उसके हिसाब से ये छे कनाल का प्लॉट बनता है क्योंकि यहाँ पे मरला टू, टू फीट का है क्योंकि एग्रो लैंड है तो यहाँ पे गुलबर्ग ग्रीन में जो भी हैं वो भी इसी तरह से हैं कि कि यानी आपने कनाल का प्लाट है तो आपने ट्वेंटी एरिया कवर करना है एटी एरिया खाली छोड़ना है तो इसलिए गुलबर्ग ग्रीन को प्रमोट किया जाता है आमतौर पर एटी परसेंट ग्रीनरी की रिजर्व है तो ये ओवरऑल गुलबर्ग ग्रीनस की होगी लोकेशन की बात प्लस ओवरऑल जो प्लाट्स हैं उसके वाले से ये वीडियो स्टार्ट होगी बेसिकली इस पॉइंट से इस पॉइंट से तो इस पॉइंट में पहले जो निचली यहाँ पे मॉल ऑफ गुलबर्ग इस्लाबाद है उसका मैं आपको थोड़ा सा व्यू दूंगा उसके बाद मेन बुलेवर्ड और सियाँ से लेके जो मेन इस्लामाबाद हाईवे का डिस्टेंस या रोड बना हुआ लूप इसके बारे में दिखाऊंगा और उसके बाद आगे जाके पूरे गुलबाग की मैं आपको थ्री सिक्सटी व्यू ये जो फार्म हाउसेज़ हैं इनफैक्ट जो मेन्शंस हैं यहाँ पर मेगा मेन्शंस उसका मैं आपको थ्री सिक्सटी व्यू दिखा दूँगा और एंड पे इस पूरे के हवाले से मैं आपको तमाम जो रेडी फार्म हाउसेज नॉन डिवेल्प हैं उनकी जो ओवरऑल स्टेटस है एक्चुअल ऑन ग्राउंड उसके हवाले से एक्सप्लेन कर दूंगा तो सबसे पहले देखते हैं जी गुलबाग ग्रीन्स के एक्चुअल इस वक्त जो स्टेटस है वो डेवलपमेंट का वो क्या है इस वक्त हम स्क्रीन पे गुलबर्ग ग्रीज में एंटर होने के बाद जो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे यानी कायद अजम प्लेस से जब आप एंटर होते हैं गुलबर्ग में जो रेड कलर का ब्रिज है मेन गेट उससे एंटर होने के बाद जो लेफ्ट साइड पे मेन 220 फीट रोड पे मॉल ऑफ इस्लामाबाद बन रहा है उसकी फुटेज है और ये इस मेन रोड 220 फीट मेन रोड पे तमाम प्लॉट्स जो हैं वो आठ हठ कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स हैं आठ हठ कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स हैं उसके बाद यानी कि दो प्लॉट कंबाइन है फिर एक प्लॉट रिज़र्व है फोर कनाल का जस्ट फॉर पार्किंग उसके बाद फिर आठ कनाल के प्लॉट और उसके बाद फिर एक प्लॉट रिजर्व है जस्ट फॉर पार्किंग और इस पार्किंग का फ़ायदा ही होगा कि कल को जब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मॉल्स में जाहिर सी बात है कि जब प्रॉपर सब कुछ सेटअप हो जाएगा तो यहाँ पे पार्किंग के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे तो गुलबर्ग ग्रीन ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हर प्लॉट कमर्शियल के साथ पार्किंग के लिए सेपरेट स्लॉट छोड़ा है इस वक्त जो फोटो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी कायदम ब्रिज की है जो एंट्रेंस गेट भी है गुलबाग का यानी अब जब भी गुलबग विजिट करते हैं वो होपफुली बहुत सारे लोगों ने विज़िट किया होगा गुलबाग ग्रीन्स का पहले तो ये इस ब्रिज से आगे गुलबाग का ब्लॉक ए शुरू होता है इस ब्रिज से जो पीछे वाला पार्ट है उसमें एक्जैक्टिव ब्लॉक है जहाँ पर सिर्फ चार और पाँच कनाल के प्लाट्स हैं चार कनाल जो बेसिकली डायमेंशन है वो बनती है यहाँ पे हंड्रेड बाई टू सिक्सटीन और पाँच कनाल की जो डायमेंशन बनती है वो बनती है वन टेन इंटू टू फोटी सिक्स और वन टेन फ्रंट और टू फोर्टी सिक्स बैक्स ये ओवरऑल जो पाँच और चार के प्लॉट है उनकी डायमेंशन बनती है मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे चार कनाल का जो प्लॉट है वो बड़ा प्लाट है ये इस्लामा हाईवे मैंने मार्क किया है यहाँ से जो इस्लाबाद एक्सप्रेस का टोटल डिस्टेंस बनता है हार्डली टू हंड्रेड मीटर्स का बनता है तो ये एडवांटेज है गुलबग को कि गुलबाग एक सबसे ज्यादा इस्लामाबाद में प्राइम लोकेशन की सोसाइटी बन गई है अभी जो ओवरऑल इस्लामाबाद में रेट्स देखे जाएं बाकी सोसाइटियों के कंपैरिजन में तो यहाँ पे निचली रेट्स बहुत कम थे गुलबाग में तो बहुत कम रेट्स में जब ये सोसाइटी स्टार्ट हुई थी तो निचली रिस्पांस बड़ा स्लो था अब गुलबर्ग में एवरेज प्ट के प्राइस वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिक्स पॉइंट फाइव मिल सिक्स पॉइंट फाइव करोड़ प्लस माइनस इससे भी ज़्यादा डिवेलप प्लाट के प्राइजेस हैं यहाँ पे इस वक्त जो जिनका पोजेसन लेके आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं इस वक्त जो स्क्रीन पर फुटेज देख रही है प्लाट नंबर वन से लेके प्लाट नंबर ट्वेंटी एट जो फ्रंट और बैक वाली स्ट्रिप है उसमें जो दस कनाल के प्लाट्स हैं दस कनाल के प्लाट यहाँ पे बेसिकली बारह कनाल के प्लाट बनते हैं तो यहाँ पे जो दस कनाल के प्लाट हैं और उन उनपे कुछ आपको मैंशन भी नज़र आ रहे होंगे बने हुए बड़े फार्म हाउसेज़ इन मैंने जैसे बात की थी शुरू में कि एटी ट्वेंटी का रूल है गुलबाग ग्रीन्स में क्योंकि ये एग्रो फार्म है तो एग्रो फार्म में जो रूल होता है सीडीए का वो ये होता है कि आपने एटी परसेंट एरिया ओपन छोड़ना है और ट्वेंटी पे कंस्ट्रक्शन करनी है तो ये आपके सामने फार्म हाउस का एक व्यू है कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया है उसके बाद भी जो एरिया बचा हुआ है वो बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस है तो ये वजह है कि गुलबर्ग इस्लामाबाद एक सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे होने के साथ साथ ओवरऑल इस्लामाद में बाकी जो सोसाइटीज़ बन रही हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा एज ले जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ़ इट्स लोकेशन कि इसकी लोकेशन इस्लाबाद हाईवे पे सिग्नल फ्री है जो भी सोसाइटी जिस भी जगह पे हो और उसकी लोकेशन किसी पब्लिक रोड पे और पब्लिक रोड जो इस्लामबाद का सबसे मेन रोड हो उस पर हो तो उसकी एक्सेस की वजह से उसकी डिमांड में एक बेपना इजाफा होता है डिमांड में इजाफ़ा होने के बाद ऑटोमेटिकली उसकी प्राइजेज जो जंप करती हैं जैसे मैंने बताया निचली यहाँ पे प्लाट की प्राइस पहले चारकनाल के एटी लाख रुपीज़ थी फिर वन करोड़ और इससे बढ़ते 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 आज यही प्राइजे वो 65 मिलियन तक हैं ये एक को हासिल है। लेकिन 10 ये टाइम तो ये इस चीज का लोकेशन ने इसको एडवांटेज दिया है तो जो भी सोसाइटी लोकेशन पब्लिक रोड पे लेती है और उसकी लोकेशन जाहिर सी बात है कितना अच्छा एक्सेस हो जीरो पॉइंट से उसके पास एडवांटेज होता है इस वक्त जो मेन सोसाइटीज़ हैं इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा जो बड़ा एरिया जिसके पास है वो गुलबाग ग्रीनस है जिसमें मन शुरू में एक्सप्लेन एक्सप्लन की निचले जितने प्लाट्स हैं वो सब शुरू के बेस में, पार्ट में सिर्फ और सिर्फ चार कनाल पाँच कनाल और दस कनाल के फार्म हाउसेज़ हैं आगे जाके गुलबगग में छोटे प्लाट्स स्टार्ट होते हैं जिसमें आप काउंट कर लेंगे पाँच मरला सात मरला दस मरला कनाल दो कनाल दो कनाल का प्लाट यहाँ पे छोटा प्लाट काउंट होता है क्योंकि गुलबर्ग में जो ग्रीन्स में स्टार्टिंग प्लॉट हैं वो फोर कनाल के हैं तो जो दो कनाल के प्लाट और बाकी जो छोटे प्लाट्स हैं वो सारे सी के जोन फाइव में फॉल करते हैं अगर मैं जोन की बात करूँ तो सी के पाँच जोन हैं जोन वन इज़ फ्राम सेक्टर एट टू एफ एड फिफ्टी थाउजेंड कनाल जिसमें तमाम चीज़ें यानी कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हॉस्पिटल सब कुछ शामिल है और जोन टू की बात करें तो जोन टू स्टार्ट होता है एफ एड से और जी फिफ्टीन तक इसकी लिमिट है उसमें भी इसी तरह सी के तमाम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सब कुछ शामिल है जोन थ्री मनॉल शक्करपड़ियाँ बारह का वो छतरपाक वाला पार्ट है थर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड कनाल और इसका एरिया भी इसी तरह बनता है तकरीबन तमाम चीज़ें गवर्नमेंट की हैं और यहाँ पे जो जोन फोर जोन फाइव है उसमें सी के ये फॉल करता है चक्शाद और ये फैज़ाबाद से आगे जितना एरिया है वो जोन फोर में फॉल करता है तो अब जोन फाइव की बात करें जोन फाइव इसकी बैक साइड पे है जिसमें नेवल एंकरेज ये गुलबग रेजेंशिया और बाकी जो हैं उनमें जोन फाइव में फॉल करते हैं इसका जोन फोर का और जोन फ़ाइव का दोनों का सेपरेट एन है गुलबगग का और दोनों का एन ओ सी अब नंबर जिसमें स्टार्ट में वीडियो के आपको वीडियो पॉज भी की थी आप वहाँ स्क्रीन शॉट लेकर उसको ख़ुद वेरीफाई कर सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पे जो आप प्लॉट देख रहे हैं गुलबग के ये बेसिकली गुलबगग में एंटर होने के बाद जो मेन लेफ्ट साइड पर आप मुड़ते हैं तो सामने जो रूट स्कूल या फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल कह लें जो इस वक्त ज़मीन पे बन चुका है उसके साथ जो दस कनाल के प्लॉट हैं इनफैक्ट जो पहले 80, 90 प्लॉट हैं सिर्फ 10 कनाल के हैं जो काफ़ी मेगा मैंशन्स के लिए प्लॉट हैं मैंने पहले एक्सप्लेन किया है तो इन प्लॉट के पीछे फिर पाँच कनाल की स्ट्रिप स्टार्ट होती है और उनके पीछे फिर चार कनाल के प्लॉट स्टार्ट होते हैं इस वक्त गुलबर्ग ग्रीनस ब्लॉक ए में तमाम के तमाम प्लॉट जो बड़े फार्म हाउसेज़ हैं डेवलप्ड हैं और पोजेशनेबल हैं इस वक्त हम स्क्रीन पे जो प्लॉट देख सकते हैं ये बेसिकली ब्लॉक ए में ही प्लॉट नंबर 107 जीरो तो टू प्लॉट नंबर 279 ये जो सीरीज है पाँच कनाल के प्लॉट की जिनका टोटल नंबर बनता है 190 यानी पूरे ब्लॉक ए में टोटल जो पाँच कनाल के प्लॉट हैं उनका नंबर है 190 नाइन्टी दस किनाल के मैंने शुरू में, में एक्सप्लेन किया था टोटल प्लॉट है वन और चार किनाल के टोटल प्लॉट हैं फिफ्टी अब ये जो पाँच कनाल के प्लाट्स हैं अब बेसिकली दस कनाल की इनिशियल uh, सीरीज़ है यानी जो मेन रोड के साथ पहली जो दो स्ट्रीट्स हैं वो वस कनाल की हैं उसके बाद पाँच कनाल के प्लाट्स हैं और एंड पे फिर चार कनाल के प्लाट्स हैं और इनके सामने जो मेन बुलेवर्ड है उस पर सिर्फ कमर्शल्स हैं गुलबर्ग की अच्छी बात यह है कि गुलबर्ग ने कमर्शल को दो जगह सिर्फ रखा है यानी कि जो फार्म हाउसेज हैं उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो एक्सेप्ट द प्लॉट्स ऑन लेन वन और स्ट्रीट वन उन प्लॉट की प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी बाकी जितने भी प्लॉट्स हैं गुलबर्ग में चार कनाल पाँच कनाल दस कनाल के उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती उसकी वजह ये कि ग्राउंड प्लस टेन ग्राउंड प्लस 11 ग्राउंड प्लस थर्टीन इवन के जो कुछ मॉल्स हैं वो ग्राउंड प्लस सिक्सटीन एटीन भी बन रहे हैं तो जब ग्राउंड प्लस एटीन का मॉल होगा तो ऑटोमेटिकली इतने बड़े एक्सपेंसिव मेंशन का प्राइवेसी जो है वो स्टेक पे आ जाती है तो ये गुलबा ग्रीन्स में ब्लॉक ए में जितनी एक अच्छी बात है कि जो कमर्शल्स हैं उनको सिर्फ मेन टू ट्वेंटी फीट रोड पे यानी फेसिंग मेन बुलेवर्ड उस तरह रखा है तो इस तरह जो पीछे फार्म हाउसेज़ भी हैं उनकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब नहीं होती इस वक्त मेरी स्क्रीन पर जो बैक साइड पर मैंने एक एरिया मैंशन किया ये वाली बेसिकली प्लाट्स जो हैं ये बिज़नेस स्क्वेयर है यहाँ पर और यहाँ पर दूसरे जो सेकेंड कमर्शल्स हैं जिनकी टोटल हाइट है ग्राउंड प्लस फाइव है और इससे ज़्यादा यहाँ पे वैसे कि हाइट के बारे में सी काफ़ी स्ट्रिक्ट है तो जितनी ही परमिशन है उतनी ही हाइट की अलाउड है ये जो आप फुट स्क्रीन पर देख रहे हैं ये गुलबग रीना जो गुलबग हाइट्स के साथ एक आठ कनाल ग्राउंड प्लस एट या नाइन का है ये मैंने एग्जैक्ट काउंट नहीं किया इस टू ट्वेंटी फीट मेन बलेवेड पर जो प्लाट्स हैं टोटल उनका नंबर बनता है आई थिंक सिक्सटीन है यानी एट प्लाट ऑन वन साइड एंड एट प्लाट ऑन दी अदर और इन कमर्शियल uh, प्लाट्स के साथ यानी सेंटर में जो इनको मेन एक्सप्रेस वे मिलती है उसकी वेट मैंने आपको पहले बता दिया टू ट्वेंटी फीट वाइड है और इससे जो ट्रैफिक का फ्लो है काफ़ी ज़्यादा ईज ले जाता है क्योंकि हर दो कनाल जो आठ कनाल के दो प्लॉट्स हैं उनके साथ एक प्लॉट रिजर्व रखा गया जस्ट फॉर पार्किंग तो जितने भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनके साथ एक एक प्लॉट रिजर्व है जस्ट फॉर पार्किंग जैसे टेलिनोर का ऑफिस है यहाँ पर जिसका एरिया तकरीबन वन हंड्रेड कनाल बनता है उस वन हंड्रेड कनाल के सामने एक पूरा सोलह कनाल का प्लाट है जिस पर टेलीनॉर की पार्किंग है इस वक्त इस वक्त जो बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं वि चैन पे जो मैंने मार्क किया है ये गुलबाग ग्रीन्स में जो फाइव स्टार होटल का प्लॉट है जिसका एरिया बनता है 168 हंड्रेड कनाल ये उसका बेसिकली प्लॉट है उसके साथ जो मेन उसको लिंक करता है मेन बोलेवर्ड उसकी फोटो स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वीडियो मैंने काफ़ी हाइट से रिकॉर्ड किया ताकि पूरे प्रेमिसज का एक आपको अच्छा आइडिया मिल जाए बेसिकली गुलबाग की एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है एरिया वाइज स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो काफ़ी बड़ा नंबर है एरिया का जो गुलबाग ग्रीन्स में सिर्फ तो उस एरिया को एक आप कवर नहीं कर सकते यानी फ़ोन से या कैमरे से आप कवर नहीं कर सकते ड्रोन एक ओनली हल होता है जिससे आप कवर कर सकते हैं इस वक्त जो राइट right साइड पे आप फोटेज देख सकते हैं मैं कैमरे को टर्न करता हूँ राइट साइड पे जो फोटेज है बेसिकली वो ब्लॉक ए की साइड की है और लेफ़्ट साइड पर टेलिनॉर का ऑफिस है और इसके साथ ही बेसिकली ब्लॉक बी मेन जिस पे स्टार्ट हो टेलिन का ऑफिस जहाँ स्टार्ट होता है वो ब्लॉक बी में आता है तो ब्लॉक बी भी में भी सेम इसी तरह के प्लॉट्स हैं चार कनाल पाँच कनाल और दस कनाल बी की वीडियो मैं इनशाला ट्राई करूँ की आने वाले दिनों में पोस्ट कर दूँ उससे भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि गुलबग ग्रीन्स ब्लॉक ए और ब्लॉक बी इन दोनों का एरिया मिलाया जाए तो इस जो इसकी नेबरहुड में सोसाइटीज़ हैं शायद चार पांच सोसाइटीज़ बन जाएं जितना बड़ा एरिया सिर्फ गुलबाग ग्रीन्स ब्लॉक ए का है और ब्लॉक बी का है क्योंकि एरिया वाइज़ गुलबगग ने काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया पे डेवलपमेंट टाइम सी बात है साठ दस साल का टाइम लगा है लेकिन डेवलपमेंट इस पूरे एरिया में करना डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस्लामाबाद में जिस प्राइम लोकेशन पे ये एरिया है इसको डेवलपमेंट को अगर डिले किया जाता तो डेफिनेटली यहाँ पे गुलबर्ग की उस तरह से वैल्यू ना बनती जिस तरह आज गुलबर्ग ग्रीनस की मार्केट में वैल्यू है इस वक्त जो दोबारा ब्लॉक ए में मेन जो दस कनाल के प्लाट हैं मेन की बैक वाले उनको देख सकते हैं कि अभी, कुछ बीच में टाइमलास में ऐड किया जिसमें ब्लॉक ए में, में शुरू में जो प्लॉट नंबर आठ गुलबर्ग हाइट्स की बैक साइड पे दस दस कनाल के प्लॉट्स हैं उसके बिला भी आप डिटेल से देख सकते हैं तो ये दोबारा उसी मेन बलेवट पे और पीछे फाइव स्टार होटल और लेफ्ट फाइव स्टार होटल के जो पीछे ब्लॉक है वो सबसे ज्यादा इनफैक्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक है या महंगा ब्लॉक है वो ब्लॉक सी है जिसकी सराउंडिंग में कोई हाई राइज कमर्शियल नहीं है इसकी वजह से ब्लॉक सी की डिमांड बाकी ब्लॉक तमाम ब्लॉक से नस्बत सबसे ज्यादा होती है तो बिकॉज दिस वॉज इट फ्रॉम टूडे अगर आपको ओवरऑल गुलबर्ग में कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपने वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज